अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं फायका मौजम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कराची एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। लाहौर के करीब कोट लखपत के मुकाम पर ट्रेन की पावर वैन में आग भड़क उठी। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक वजूहात के तायुन के लिए 24 घंटों में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तलब की गई है। इस हवाले से राजा इमरान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में अचानक ही एक बोगी में आग लगी है, जिसके बाद जो है रेलवे तर्जमान के मुताबिक आग को जो है बुझा दिया गया है और उसके बाद रेल जो है रवाना कर दी है। मुसाफर ट्रेन जो है वो लाहौर के लिए रवाना कर दी है। इब्तदाई तौर पर रेलवे तर्जमान का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। अलबत्त इसके हवाले से एक कमेटी भी तशकील दे दी गई है, जिसका हवाले से तर्जमान रेलवे का कहना है कि 24 घंटे के बाद जो है वो इसके असल हकायक को सामने लाएंगे कि आग लगने की आखिर वजह क्या थी। लेकिन इस पूरे वाक्य में यही बताया जा रहा है, जो रैक जिसमें आग लगी थी उसको भी वो भी महफूज है और साथ में तमाम मुसाफिर भी महफूज हैं और रेल को जो है दोबारा से रवाना कर दिया गया है लाहौर की जानब। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजा इमरान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।